मैं भी एक कच्चा बादाम के बीज ले लेकर के पक गया हूँ, मुझे भी लीची और आम चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अनारकली, जिन लीचियों को और आम को हम 100-100 रुपए किलो लेते हैं राजस्थान के अंदर, वो लीचियां और आम यहाँ पेड़ों के सरे आम टंग रहे हैं। सलीम, इन आम और लीचियों को देखकर मेरा मन कर रहा है कि हम अपने सपनों अगर यही बना लेते। इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले जन्म के अंदर हम घर नैनीताल में ही बनाएंगे और ये आम और लीचियां ये सब हमारे होंगे। मस्त जोक मारा रे यार। बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अनारकली, मैंने तुम्हें नैना देवी के दर्शन करवाए, नैनीताल घुमाया, हरिद्वार घुमाया, राजा राम के दर्शन करवाए, अब तुम और क्या मेरे से चाहती हो? सलीम, दुनिया अपनी पत्नी को गुलाब का फूल देती है, आप मुझे हमेशा नीम का पत्ता क्यों पकड़वाते हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुलाब वाले मीठे प्रेम को दुनिया की नजर लग जाती है नारकली। नीम का पत्ता कड़वा होता है, कड़वे प्रेम को कभी किसी की नजर नहीं लगती है। अकल के दुश्मन, अरे पागल हो गया क्या तू? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यस, 100 लोग को कभी किसी की नजर नहीं लगती, इसलिए मैंने तुम्हें नीम का पत्ता दिया है ताकि हमारा प्रेम अमर हो जाए। नारकली, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। धन्यवाद सलीम, धन्यवाद कड़वे प्यार के लिए, धन्यवाद। अब तुम आगे और क्या चाहती हो नारकली? बस मुझे मेरे घर पहुंचा दो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी यात्रा पूरी हो चुकी, तो उम्मीद है जो छोटे छोटे ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यहाँ के नहीं कैमरा है, और इस कैमरे ने आपके अंदर के कलाकार को पहचान लिया है, सही कह रहा हूँ मैं? सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं। वाह, तो जय श्री राम, बाय बाय।